और सक्सेसफुल इंसान ईमानदार हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सरकार भी अच्छा हो। नीतीश कुमार जी सक्सेसफुल इंसान हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बेटा भी अच्छा हो। लालू यादव नायक थे और हैं, जरूरी नहीं है कि उनका बेटा भी है अच्छा। मैं लालू यादव जी से आग्रह करूंगा, समझाइए जगदानंद सिंह जी के पुत्र को, पहली बार एमएलए बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने, सूप बाजे तब बाजे चलनियो बाजे, मुख्यमंत्री का अपमान किसी कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा और डिसिप्लिन हो, खत्म हो, तो फिर गवर्नमेंट की साथ गिरती है। आप कोई भी बात आप बंद कोठरी में रखिए, ये सही नहीं है, ये सही नहीं, मैं इसको सही नहीं मानता। आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, आप विभाग को ईमानदार बनाई, यदि आपको लगता है चोरी है, उसके लिए बरबोलापन और सस्ती लोकप्रियता नहीं लेनी चाहिए। और यदि मुख्यमंत्री किसी चीज को समाधान करना चाह रहे थे और उसके लिए कैबिनेट मिनिस्ट्री में बात कर रहे थे, तो उनको उठ के नहीं जाना चाहिए, जो इस तरह का डिसिप्लिन किया। मेरा व्यक्तिगत मानना है नीतीश कुमार जी बर्खास्त करे न करे, लालू यादव जी को रिजाइन लेना चाहिए। जगदानंद सिंह अच्छे आदमी हो सकते हैं, जरूरी नहीं उसका बेटा भी अच्छा हो। पप्पू यादव अच्छा हो सकता है, जरूरी नहीं मेरा बेटा भी अच्छा हो। नीतीश कुमार जी बहुत सफल और सक्सेसफुल इंसान ईमानदार हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सरकार भी अच्छा हो। नीतीश कुमार जी सक्सेसफुल इंसान हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बेटा भी अच्छा हो। लालू यादव नायक थे और हैं, जरूरी नहीं है कि उनका बेटा भी है अच्छा लगता, ये उनकी भाषा तो नहीं है। और तेजस्वी जी को भी वो आनाक दिखा रहे हैं कि हम ऊपर जो सोए हुए उनको सुना रहे, तो क्या तेजस्वी जी सोए है क्या? यह बोलना भाई तेजस्वी जी को इस पर समझना चाहिए। अनुशासन जिस परिवार का गया वह परिवार बिखर जाएगा। मैं दो आग्रह करूंगा सरकार से, पहला चाहे कोई एमएलए एमपी अपराधी और जमीन और बालू माफिया के साथ खड़ा है तो उसको अलग कीजिए, हाथ जोड़ के, और किन बड़े से बड़े अपराधी माफियाओं को नेताओं को रथ पर और आगे पीछे लेके चलना नहीं चाहिए, इससे उसकी छवि खराब होगी। और खास तौर पर राजद के नेतृत्व से हम आग्रह करेंगे, जितने भी आपके राजनीतिक बाहुबली लोग हैं उसको आप रखिए साथ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके साथ वो कहीं मंच पर और गाड़ी पर ना दिखे, इससे समाज को गाली सुनना पड़ता है। पप्पू यादव को गाली सुनना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि किसी समुदाय किसी धर्म किसी मजहब किसी जाति को किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा गाली नहीं पड़नी चाहिए, और जो बिहार में हो रहा है मैं ये सही नहीं मानता हूं कि हम 2022-23 में भी आकर हिंदू मुसलमान और बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करें, यह सही नहीं है।